कोई रौनकता नहीं रहती। भोजन में अगर थाली ढंग से नहीं है, जैसे कि दाल है, चावल है, अगर चावल है दाल नहीं है तो व्यर्थ है, अधूरा है। अगर इसी प्रकार अगर कीर्तन में थाली नहीं है तो कीर्तन अधूरा है। इसके लिए क्या कहना है, परमात्मा ने हाथ किस लिए दिया है? श्री राधे भाई भगवान महाराज, सर्वप्रथम छोटे पुत्र उत्तानपाद का वंश सुनाते हैं। कहते हैं एक समय जब उत्तानपाद का विवाह हुआ था, उनके कोई संतान नहीं, अपने पत्नी के परामर्श से उन्होंने दूसरा विवाह किया। लेकिन जब दूसरा विवाह किया, लेकिन वह पत्नी जो थी, वह जैसे दरवाजे पे आई और माता सुनीति ने क्या किया, कलश लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी, रथ में बैठे ही सुरुचि ने देखा, कहा महाराज ये कौन दरवाजे पर खड़ी है? राजा उत्तानपाद ने कहा, सुरुचि तुम्हारी बहन है सुनीति। कहा महाराज कान खोल कर के सुन लो, या तो इस घर में सुनीति रहेगी या सुरुचि। महाराज कहा मतलब? लेकिन उस वक्त राजा उत्तानपाद सुरुचि के मोह से मुक्त हो चुके थे। जब यह दृश्य माता सुनीति ने सुना, वहां से माता सुनीति छोड़ करके चली जाती है।
सूरज जी आती है और सूरज जी आकर के यहाँ महल में रहने लगती है। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरचिस्तयो सुरचि ही प्रेयसी प्रत्युर न तरायत्सुतो ध्रुवा। उत उधव पादो यश शा उत्तान पाद सुनीति सु सुमाने अच्छा नीति माने जिसकी अच्छी नीति हो सुनीति सो रुचि जो अपने अनुसार रुचि के अनुसार बदल जाए उसे कहते हैं सुरुचि। जिस प्रकार मैं कल संकेत किया था सुरुचि का मतलब होता है कि हमारे मन में क्या इच्छा है, हमारी जो जिह्वा है कौन से वस्तु की रुचि कर रही है और उसी रुचि के अनुसार हम उसको सामग्री प्रदान करते हैं, वो होता है सुरुचि। इसी प्रकार राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के मोहों से मुक्त हो गए थे और जब मुक्त हो गए एक दिन